वजूहात का तो बेग साहब को पता होगा। अपरेंटली जो स्टेटमेंट आया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में जो बताया गया उनकी तरफ से, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती की बात है कि एक छोटे से मसले पे महबूबा मुफ्ती का एक कैटेगोरिक रेजोल्यूशन है कि हमारा जो एलेंस है ये एक बड़े फ्रेम के लिए एक बड़े मसले पे हमारा है 370/35A के एब्रोगेशन के खिलाफ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जदोजहद का सिंबल है एलेंस। तो ये जो DDC का इलेक्शन बीच में बड़े उजरत में लाया गया विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये थोपा गया इलेक्शन, मुद्दत कम वक्त कम मिला, लेकिन इसके बावजूद हमने उस जज्बे की कदर करी जो बुनियादी हमारा जज्बा है कि इस रियासत को इसका तशख्स वापस लाने के लिए जो हमने तहिया किया हुआ है। उस जमन में हम किसी भी बात को रोड़ा बनने नहीं देंगे, चाहे DDC इलेक्शन हो चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, हमारा नज़रिया जो है, हमारा जो नुक्ते नज़र है वो वसी है। वो DDC इलेक्शन उसके सामने बहुत महदूद चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है कि आप सहाफ़त से वाबस्ते हैं। सहाफ़त एक कंटिन्यूटी आपको तारीख पे नज़र है, आपकी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बेहतर नज़र है। पॉलिटिकल पार्टी क़यादत और तंजीम से होती है और अल्लाह के फजल व करम से काडर, तंजीम और क़यादत महबूबा मुफ्ती की तीनों चीज़ें इंटैक्ट हैं। अफराद निकल गए, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लीजिए, जो फ़र्द निकल गया चाहे वो MLA रहा हो चाहे मिनिस्टर रहा हो, तंजीम की जो बुनियादें वहाँ पे जिनकी वजह से उसने वो इलेक्शन जीता था वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियादें थी, वो हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगी भी। उसमें आपको एतबार दिलाता हूँ कि PDP की हर जगह पे पजीराई है, आवाम के दिलों में इसकी कदर मंजिलत है। महबूबा मुफ्ती जब तक जेल में थी और उनके जेल के निकलने के बाद जो सियासी उफक पे आप हरारत देख रहे हैं, जो आप एक्टिविटी पॉलिटिकल रियासत जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप में से इंशाल्लाह इत्तेफाक करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती के कैद से रिहाई के बाद से शुरू हुई। ये बात इस बात की गमाज है कि रियासत जम्मू कश्मीर के हर कोने में, अतराफ व अकनाव में, इन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट महबूबा मुफ्ती की पजीराई है, उसकी क़यादत को तस्लीम किया जा चुका है, लोगों के दिलों में रहती है, तंजीम उनकी फ़ाल है, काडर उनका जिंदा है। तो किसी फ़र्द के आने और जाने से अफराद मैटर नहीं करते हैं, अफराद मैटर नहीं करते, क़यादत तो तंजीम मैटर करती है, वो अल्लाह के फजल से मजबूत है और हम इसको और ज़्यादा फाल कर रहे हैं। वो बड़े फैसले हैं, वो क़यादत के बड़े फैसले हैं, बड़े लोगों के होते हैं, उसमें हम जैसे वर्कर्स का रोल नहीं होता है। हमारा मेरा मानना है कि ये एक अफसोसनाक बात है बेग साहब का पार्टी से अलग होना, और वो भी एक बहुत ही ट्रिफल इशू पे, एक बहुत ही छोटे मसले को लेके बेग साहब का अलग होना, मुझे लगता है मुझे इसका बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए मैं आपको हिंदू मिथ की एक बात बताऊँगा जो लॉर्ड अर्जुन को अपने गुरु ने कहा था, हमारी निगाह जो है न कबूतर पे है न पेड़ पे है, हमारी निगाह उस आँख पे है जो हमसे छीनी गई है, जो तशख्स हमारे छीने गए हैं, जो काले कवानीन लागू किए जा रहे हैं और कर रहे हैं, वो उनको अवाम को उन मुसाइब से दूर कर निकालने के लिए हमने तहिया किया है। महबूबा मुफ्ती ने अलायंस को ज्वाइन किया है, अलायंस उनकी वजह से बनी और हमारा नज़रिया 370 और रियासत का तशख्स है। ये छोटी छोटी चीज़ें म्यूनसिपल इलेक्शन, DDC इलेक्शन किसी भी हालत में हमारे रेजोल्यूशन को शेक नहीं करेगी, ये हमारा ये इस बात पे आप यकीन रखिए। छोटी छोटी बातों पे हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, छोटे छोटे मफाद के लिए कोई हम ये नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।